हाय गाइस, दिस इज प्रभास सोलुशन। हाय गाइस, आखिरकार यहाँ पे CSB2 ने आपके अपकमिंग एग्जाम को लेकर के सारे डिटेल यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। एक टेंटेटिव डेट का यहाँ पे इन्होंने ऑफिशियल लेटर यहाँ पे जारी किया है, जिसमें आपका किस तारीख से आपका पोर्टल ओपन हो सकता है, ठीक है, किस तारीख तक वो क्लोज होगा, फिर कॉलेज से और यूनिवर्सिटी से किस तारीख तक आपका अप्रूवल होगा एग्जामिनेशन फॉर्म, और एग्ज़ाम आपका कब तक स्टार्ट हो सकता है और वो एग्ज़ाम कब एंड होगा, ये सारी चीज़ों को एक यहाँ पे 3 पेज पे यहाँ पे नोटिस में इन्होंने कहा है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे अभी जो डेट कहा है ये फाइनल नहीं है, लेकिन एक तरीके से यहाँ पे इन्होंने इशारा कर दिया कि भैया इस तारीख से आप रेडी रहें, आपका पेपर चालू होगा और ऑनलाइन मोड पर आपका होगा, ठीक है। पहला चीज़ आपका ये नोटिस में 4 पॉइंट दिया है, जो कि आपका ये जो डिटेल है इसका बारे में पहला बताया गया है। सेकेंड नंबर क्या है, जब भी इस डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जब भी आपका TCS पोर्टल में आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होगा, उससे पहले आपको एक अलग से ऑफिशियली अपडेट आपको दिया जाएगा, ठीक है। थर्ड नंबर पॉइंट पे यहाँ पे रिजल्ट, पेंडिंग रिजल्ट को लेकर के कहा गया है कि एग्जामिनेशन फॉर्म TCS पोर्टल में फिल होने से पहले आपके पेंडिंग रिजल्ट को यहाँ पे डिक्लेयर किया जाएगा। इस रिजल्ट से आपका आगे कोई दिक्कत हो सकता है, वो सारे रिजल्ट आपको यहाँ पे डिक्लेयर किया जाएगा, जैसा यहाँ पे इन्होंने कहा है। बेसिकली हम बात करें तो बी आर्किटेक्चर का आप देख सकते हैं 2 जुलाई से कहा गया पोर्टल स्टार्ट हो जाएगा और इनका एग्जाम आपका 12 जुलाई से स्टार्ट होगा, ठीक है। बी फार्मेसी का आप बात करेंगे तो सेमेस्टर आप यहाँ पे मिला लीजिएगा, ठीक है, आपका सेमेस्टर क्या है, ठीक है, यहाँ पे रेगुलर भी है, बैकलॉग भी है, किस टाइप का आपका है, आपका अगर बैक है तो उसके हिसाब से देख लीजिएगा, बी लिखा होगा, अगर आपका रेगुलर है तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। शिफ्ट भी यहाँ पे फर्स्ट करके यहाँ पे दिया है, कुछ जगह में यहाँ पे सेकेंड शिफ्ट भी यहाँ पे एनालाइज करके यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब 2 शिफ्ट में कहीं ना कहीं आपका पेपर लेने का सोचा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि टाइम कम है और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन भी आपको फॉलो करना है, यानी यूनिवर्सिटी को फॉलो करना है, क्योंकि इनके बाद भी क्या है एडमिशन वगैरह बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रुकेंगी, इसलिए दोनों शिफ्ट में यहाँ पे पेपर कराया जा रहा है। हालांकि ये नया बात नहीं है, आयुष यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन एग्जाम हो रहा है और वहाँ पे आपका 2 शिफ्ट में भी पेपर हो रहा है नर्सिंग वालों का, ठीक है, तो 2 शिफ्ट में पेपर कोई नई बात नहीं है। बट जब आपको ऑफिशियल टाइम टेबल जब आपका आ जाएगा, कहने का मतलब क्या है, जब आपको ऑफिशियल बाकी चीज़ें अपडेट जो होगा आपका TCS पोर्टल में एग्जामिनेशन फॉर्म का, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। बेसिकली मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पे जितने भी कोर्स हैं उन सबका यहाँ पे डिटेल है, जैसे यहाँ पे MCA का है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग जिसको आप पॉलीटेक्निक बोलते हैं, बी हो गया, बीटेक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट जो पेपर है 20 अगस्त तक आपका पूरा पेपर को कंडक्ट कराया जाएगा, किस सेमेस्टर वालों का, फर्स्ट सेमेस्टर जो भी नया सेम यहाँ पे बचा है, बैक है या रेगुलर है, जैसा भी है, आप यहाँ पे विजिट कर लीजिएगा, जो भी आपका यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव, आपका जो भी रिलेटेड कोर्स है, एम फार्मेसी, MCA है, एम प्लानिंग, MTech है, जो भी आपका है, आप यहाँ पे इसको चेकआउट कर लीजिएगा। ऑफिशियल साइट में ये आपका अपडेट हो चुका है।